नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। विश्व की ऐतिहासिक इमारत मोहब्बत की निशानी ताजमहल में पीने के पानी के लिए पर्यटक भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ताजमहल की रखरखाव की जिम्मेदारी रखने वाली एजेंसियों की लापरवाही के चलते ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटक पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दरअसल ताजमहल परिसर में सुरक्षा और नियमों के चलते खाने पीने के सामान और ज्यादा मात्रा में पानी ले जाना मना है। पर्यटक एक बोतल पानी लेकर ताजमहल घूमने जाते हैं। जब उनके पास मौजूद पानी खत्म हो जाता है तो वो पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आते हैं। यहाँ लगे पीने के पानी के नल खराब पड़े हुए हैं। पर्यटकों ने ताजमहल के इंतजामों की पोल खोलते हुए प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द ताजमहल के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाए, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी और पर्यटकों के लिए पानी बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात तो होगी कि प्रशासन कब तक मोहब्बत की निशानी ताजमहल परिसर में पर्यटकों के लिए पीने की पानी की व्यवस्थाएं को दुरुस्त करता है, जिससे यहां आने वाले हजारों देसी विदेशी पर्यटकों को आसानी से पीने का पानी मिल सके। सर, यहां पानी को लेकर क्या किस तरह का पानी, हमें बताया गया इधर पानी है, पानी पे जो हमारे साथ दो बच्चे हैं उसको प्यास लगी थी, एक बोतल पानी लेके अंदर आने दिया, खाने की कोई सामग्री लेके अंदर नहीं आने दिया। हमें सोचा अंदर भी मिल जाएगा, ये पानी की समस्या, ये हालत हुई है। खुद आपने भी देखा, आधा घंटा से आप वॉच कर रहे थे, हम लोग पानी के लिए किस तरह, ये है देख लो, पाँच सारे नल हैं, एक भी नल से पानी नहीं आ रही है। ये हालत ये है कि सभी आ रहे हैं, फिर वही गुस्से में जा रहे हैं बता के क्या है ये, अब कहाँ पे और क्या है। सभी लोग बाहर से आते हैं, अब हम कहाँ कंप्लेन करने जाए, सबके चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम लोग भी इंटरनली छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने अभी बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने बोला हाँ बताना चाहिए, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। और गर्मी अभी शुरू हुई है, शुरुआती सीज़न है, अभी समर वेकेशन आएगा और ज़्यादा बच्चे भी आएंगे स्कूल के और घूमने के लिए, उस समय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप हो सके तो इसको और आगे तक बात पहुँचाइए और किसी तरह पानी का यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर।